हेलो। सो हम अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, तो बताइए हमारी जर्नी कैसी रही, आदित्य नव्या की जर्नी कैसी रही? अमेजिंग रही, एक तरीके का रोलर कोस्टर रहा। आदि नव्या की जिंदगी में जैसे शुरुआत में उनकी जर्नी चालू हुई, सिंपल लाइफ, फिर हर चीजें, फिर लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आई, उन कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम किया और करते 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 उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता गया। सो थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोगों ने इतना हमें इतना पसंद किया एंड हैशटैग आदित्य, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसा कि राघव ने बोला, हमारी जर्नी रोलर कोस्टर जैसी रही है और हमने आई थिंक हमने सारी चीजें देख ली, झगड़े कर लिए, मना लिया एक दूसरे को, सरप्राइजेस दे दिए एक दूसरे को, पी भी लिया बताओ, और हमारा अच्छा लड़का दो बार हमारा अच्छा लड़का बिगड़ भी गया। और सो ऑल ऑफ दैट इज हैपेंड। और हमने अच्छा, कोई अच्छी सी मेमोरी हमारे लिए जो आप आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अगर आपके लिए हो, कौन सी बेस्ट मेमोरी? आदि नव्या की जो हमने वो घाघरा वाला परफॉर्मेंस करी थी इट वॉज फन बिकॉज वो भी चैलेंजिंग था। हमने अपना एक्सेंट चेंज किया था और काफी कोशिश करी थी अच्छा डिलीवर करने का, बहुत मजा आया था। बंजारा इट वॉज अमेजिंग, बहुत मजा आया। सबसे अच्छी मेमोरी रही है आदिव्या के लिए। आई थिंक मेरे लिए जो सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी रही है वो अभी रिसेंट हमने कुछ चीज शूट की, आपने शायद झलक भी देखी उसकी, इसके बारे में ज्यादा बताऊंगी नहीं, बट इट आई एम श्योर आप लोग को पसंद बहुत आएगा जब आप लोग देखेंगे। उसके अलावा सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी और कौन सी, थिंक समथिंग एल्स, आई थिंक वो बंजारा जरूरी है, मेरे लिए भी वही आई थिंक सबसे फॉन्ड मेमोरी रही है। दैट वॉज आर फॉन्डेस्ट मेमोरी। सो यस, लेट्स टेक सम क्वेश्चन नाउ। कोविड खत्म।